हाथरस के हसाइन कोतवाली इलाके के गांव अलेदनपुर की रहने वाली एक लड़की की शादी करीब 5 साल पहले सिहोरी गांव में हुई थी। शादी के कुछ समय बाद तो पति पत्नी के बीच सब कुछ ठीक चला, लेकिन कुछ समय बाद ससुराल के लोग दहेज की बाइक और 50,000 की मांग करने लगे। इसी को लेकर उसका उत्पीड़न भी किया जाने लगा। विवाहिता का आरोप है कि उसके ससुर और देवर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगे। इसकी शिकायत अपने पति और सास से की तो उन्होंने उसे चुप रहने की हिदायत दी। अब जब वह अपने मायके पहुंची तो वह पिता को लेकर कोतवाली अपनी शिकायत को लेकर कई चक्कर काटे, लेकिन पुलिस ने उसकी एक नहीं सुनी। इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार का कहना है कि महिला का परिवार में कोई विवाद है, जानकारी की जा रही है, जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। हाथरस से नीरज चक्रपाणी की रिपोर्ट, SKH न्यूज। मेरी लड़की के साथ दोनों ससुर और देवर गलत काम करते हैं, और गलत काम करने पर जब लड़की विरोध करती है तो मारपीट करते हैं, और पहली भी शादी छोड़ के भाग गई, क्या कहते हैं इन्हीं बातों पर कि ये गलत काम करते हैं तो अब आगे रखूँ छोड़ गई। आपकी लड़की की शादी कितने वर्ष शुरू हुई थी? करीब 5, 5.5 करीब। और ये गलत काम कितने दिनों से कर रहे हैं इसके साथ? करीब महिला ने दरखास्त दी है ससुर और देवर के लिए, और जानकारी की गई तो महिला का कोई आप परिवार में कोई विवाद है तो उसने कोई दरखास्त दिया है, दरखास्त में सत्ता उन्होंने वर्णन किया है, उसके बारे में जानकारी की जाएगी। जानकारी में जो तथ्य आएगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।